हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी टायर वन के एग्ज़ाम अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसके 6 फेज तक के एग्ज़ाम तो कंप्लीट हुए हैं, लेकिन अभी तक 7 फेज का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है और कई सारे अभ्यर्थी इसी चिंता में बैठे हुए हैं कि मेरे 7 फेज का एग्ज़ाम कब हो। अभी तक RRV की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो क्या 6 फेज तक का आंसर की आएगा? तो देखो देखो दोस्तों, जब तक पूरे फेज के एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो सकते, जब तक 6 फेज का आंसर की बिल्कुल भी नहीं आ सकता। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 6 फेज तक जिन जिन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है उन उनका आंसर की आ जाएगा और उन उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब कोई भी एग्ज़ाम जब तक सारे अभ्यर्थियों का नहीं होता है, तब तक किसी का भी ना तो आंसर की आएगा और ना ही उनकी कट ऑफ आएगी और ना ही उनका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए, SC ST वालों के लिए सबसे पहले एक राउंड ऑफ में बात कर लेते हैं। अगर आपके 50 से 60 मार्क्स के बीच में हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर हम बात करें कि कैटेगरी वाइज, तो SC ST कैंडिडेट के लिए 55 मार्क्स तक, ठीक है ना, ठीक है। और OBC या जनरल कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स तक अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल से सेफ़ हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों कि NTPC का टायर 2 का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो देखिए दोस्तों, अभी भी टायर 1 के 7 फेज का एग्ज़ाम अटका हुआ है, तो और फिर उसके बाद ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होना है, तो वो भी कम से कम 3 से 4 महीने चलेगा। अगर हम एक्सपेक्टेड बात करें कि टायर 2 का एग्ज़ाम कब होगा, तो हो सकता है दोस्तों ये नवंबर या दिसंबर तक पहुंच जाए, या फिर बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम चांसेस है कि ये नवंबर या दिसंबर तक हो सकता है। ये एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर 2022 में ही हो आपका, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं क्या RRB की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आया, तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोग कह रहे हैं कि IRB को मैंने मेल भेजा है, ये किया है। तो देखिए दोस्तों, हाँ वो बात तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ऑफिशियल एग्ज़ाम को लेकर ऑफिशियल जो अपडेट है, जो उनकी वेबसाइट पे, ऐसा ऑफिशियल अपडेट अभी तक RRB ने नहीं दिया है, ठीक है ना। तो आप अभी चिंता मत कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन बस जारी रखिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम तो होगा, जैसे ही कोरोना की सिचुएशन ख़त्म होती है वैसा ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और अगर कोई आपके मन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट का सोल्यूशन ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी ये जानकारी पहुँच सके और वो भी अफवाह से बच सके, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।